ओए, दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे क्या हो गया भैया? क्या हुआ? अबे मेरी गाड़ी पे बैठ के फोटो करा रहा है, मुझसे पूछ रहा क्या हो गया? अरे भैया मेरी फेवरेट गाड़ी है, बस एक फोटो खींचने दो, एक। अच्छी लगती है ना? तो अपने बाप को बोल तेरे को खरीद के देगा, हमारी गाड़ी पे फोटो कराने की जरूरत नहीं है। सॉरी भैया, दूर से खिंचा लूंगा, प्लीज बस ये खिंचाने दो, ये लो आप खुद खींच दो। ओए तो कुछ समझ में नहीं आता क्या? तो एक बार मना कर दिया ना, मत खींचा फोटो, क्यों जिद कर रहे? दीदी प्लीज, मेरी ड्रीम कार है भैया, ये 4x4 है ना, एक फोटो खींचने दो प्लीज, लो आप ही खींच दो। तू ऐसे नहीं मारेगा, चल भाई ऐसे। अरे क्या हो गया भाई, क्यों बच्चे को धक्का मार रहे हो? तू कौन है और हम तुझे क्यों बताएं? वकील है क्या इसका? वकील तो नहीं हूँ, पर ऐसे थोड़ी ना तुम बच्चे को धक्का मार सकते हो। देख भाई, दिमाग पहले ही बहुत खराब है, तू और खराब मत कर अब। क्या हुआ बेटा? अरे भैया मेरी ड्रीम कार है थार, बस एक फोटो खिंचवा रहा था, इन्होंने मेरे को धक्का दे दिया। अरे क्या हो गया भाई साहब, फोटो ही तो खिंचवा रहा था, कौन सी गाड़ी खराब हो जाएगी आपकी इससे? अबे मेरी कार, मेरी मर्जी, मैं फोटो कराने दूं ना कराने दूं, तू होता कौन है? होता कोई नहीं हूं, पर आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि किसी को आपकी गाड़ी पसंद आ रही है। ओए मेरी बात सुन, ये गाड़ी ना मैंने लोगों को खुश करने के लिए नहीं ली है, अपने लिए ली है। और ना ये गाड़ी ऐसे नहीं आ जाती, पैसे लगते हैं इसके लिए, पर तुम्हें क्या पता होगा पैसों के बारे में, तुमने तो कभी देखे भी नहीं होंगे। पता है गाड़ी पैसों की आती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम धक्का मारोगी, प्यार से मना कर दो। देख मेरा ना ये मूड खराब कर रहा है, सुन मेरी बात, तेरे को इस लड़के की इतनी पड़ी है ना, तो एक काम कर, मार्केट जाओ और ऐसी कोई गाड़ी ढूंढ ले और फोटो क्लिक करवा दे इसकी, समझा? और कभी तू खुद की गाड़ी लेगा ना तो तब पता चलेगा जब लोग तेरी गाड़ी को टच करेंगे कैसा लगता है। अबे इसको देख के लग रहा है 10 सालों में भी ऐसी गाड़ी नहीं ले पाएगा। अबे थार है ये, थार 4x4, सब गाड़ियों की बाप है ये। कोई बात नहीं बेटा, चल मैं तेरी पिक क्लिक कराता हूँ। ओए ध्यान से पिक करियो, कहीं दूसरा मालिक भी तुझे ना भगा दे। चल अबे कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा यार, जल्दी आओ। ये तो मेरी फेवरेट कार है, इसे माफिया कार कहते हैं। यार ये गाड़ी मुझे भी बहुत पसंद है सच में। क्या हुआ, शौक लग गया क्या? ये भैया की गाड़ी है और भैया ने मेरी पिक भी खींची है और ड्राइव पर भी ले जा रहे हैं। पहले दो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फेस सब कुछ बोल रहा है। अरे भैया कुछ कह रहे थे ना, ये गाड़ी हर गाड़ी की बाप होती है, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। Thank you.